बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे प्यारे प्यारे चटोरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से और खुशहाल होंगे। आज मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार सी बॉम्बे की स्ट्रीट फूड फेमस चना बटाटा की रेसिपी देने जा रही हूँ। मैंने दो ग्लास भर के, जो हम घर में पानी पीते हैं वो वाला ग्लास भर के चने को रात भर भिगा दिया था। ये काले चने हैं, मैं इसे इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से चनों को ले सकते हैं। जिस पानी में भिगाया था वो पानी को भी मैं इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें 3 बटाटा डालूंगी। आप चाहें तो बटाटे को अलग से भी बॉईल कर सकते हैं, मैंने बहुत ही अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टी स्पून के करीब हल्दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 1 टी स्पून धनिया पाउडर, और इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक। इसे अच्छे से हिला लेंगे। अब इससे ये होगा कि हमारे चने में जो है जायका अंदर तक जाएगा और बटाटा भी बहुत ही मज़े का हो जाएगा। अब हम कुकर बंद करेंगे और इसकी 3 से 4 सीटी ले लेंगे। आप अपने अपने कुकर के हिसाब से इसको बस गलाना है हमें। ये देखिए, 2 सीटी मैंने तेज़ आँच पर ली है और बाकी इसको मैंने स्लो करके 1 सीटी ली है। अब इसका प्रेशर ऐसे ही रिलीज़ करने के लिए छोड़ देंगे और फिर उसके बाद में हम खोल के इसे देखेंगे। और जब तक के हम अपना बेसन भून लेते हैं, हमें बेसन की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें 3 टेबल स्पून फ्राई पैन में बेसन डालेंगे, चिक पीस पाउडर। आप बेसन भूनना भूल ना जाएं इसलिए मैं आपको ये स्टेप बता रही हूँ, वरना मैं खुद भून के डाल दी होती। बेसन भूनने से इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी और बहुत ही अच्छा जायका आएगा, कच्चे बनकर टेस्ट भी नहीं रहेगा। चना 2 ग्लास भर के था इसलिए मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। आपका चना कम रहे तो आप वो हिसाब से 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून बेसन डाल दीजिएगा। बेसन में से खुशबू आने लगी है, गैस फौरन बंद कर देंगे और इसको फौरन निकाल लेंगे वरना ये नीचे से जल जाएगा। अब ये देखिए, ये मैंने लिया है इमली, मैंने इतनी इमली ली है 1 से 2 नींबू के बराबर। इसको मैंने पानी में भिगा दिया है, ये टामरिंड है, इसको मैं मैश करके इसका जूस ले लूँगी। और ये है कोकम, ये हमारे बॉम्बे में चना बटाटे में ज़रूर जाता है, ये ज़रा खट्टा खट्टा और मज़े का फ्लेवर होता है। इसको भी मैंने इस तरह से भिगा दिया है, अब मैं इसका भी जूस यूज़ करूँगी, इसको मसल लूँगी। कुकर का प्रेशर रिलीज़ हो गया है, अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। ये देखिए, अब हम अपने चने को चेक कर लेते हैं, ये अच्छे से गल गए हैं। और पोटैटो भी चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये देखिए, ये भी एकदम अच्छे से गल गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे पोटैटो को, ये बहुत ही डिलीशियस बन गया है पोटैटो अंदर से। अब हम पोटैटो को छील के निकाल लेंगे, कट कर देंगे छोटे छोटे पीसेस में। गैस ऑन करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमने बेसन को भुना था वो बेसन इसमें डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको इस तरीके से चलाएंगे। ध्यान रहे कि फटाफट आपको चलाना है, इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं होना चाहिए, वरना आप चलाएंगे नहीं तो इसमें लम्प्स बन जाएंगे। आप चाहें तो इसको यही चने का पानी लेके उसमें ये बेसन घोल लें और फिर डाल दें, बेसन इसको गाढ़ा करने का काम देगा। अब ये देखिए, मैंने पतीली में ट्रांसफ़र कर दिया ताकि आपको अच्छे से खुला खुला नज़र आ सके। अब ये पानी देखिए इस तरह का है बेसन मिलाने के बाद। अब ये देखिए, ये मैंने जो ये आलू लिया था ना, ये आलू बहुत ही सही तरह से गले हैं मगर एकदम नहीं गले हैं, अच्छे से मैंने बड़े बड़े क्यूब्स डाले हैं। और इसी स्टेज पे मैं आलू डाल रही हूँ। आप अगर आपका आलू ज़्यादा गल गया है आप इसको बाद में डाल दीजिएगा जब ये गाढ़ा हो जाएगा। मैं अभी डाल रही हूँ ताकि बड़े बड़े पीस भी रखे हैं, इसके जो साइड से ये थोड़े मैश होंगे उसका भी जायका आ जाएगा इसमें। और इसको चलाएँगे और चलाते हुए थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए, क्योंकि इसमें आलू जो पिघलेंगे उसका जायका भी बहुत अच्छा आता है। अब ये देखिए, 10 से 15 मिनट हो गए हैं और ये इस तरह से बहुत ही अच्छे से पक गया है। इसके बेसन की जो रॉ स्मेल थी वो चली गई है और ये बहुत ही अच्छे से थिक हो गया है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले ये काम करूँगी, मैं इसका हाफ निकालूंगी, क्योंकि मुझे इसका आपको 2 तरीका बताना है। ये जो मैं बता रही हूँ आपको, मैं घर में हम किस तरह एक साथ बना सकते हैं मैं वो तरीका बता रही हूँ। अब ये मैं इसमें से थोड़ा निकाल लूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और वो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगी।
ताकि दोनों जगह प्रॉपर से मिले हमें। चलें, ये आपको नजर आ गया है, ये इस तरह का टेक्सचर है, ये देखिए रनी है, ये गाढ़ा है मगर रनी है, इसे आपको बहुत गाढ़ा नहीं रखना है वरना ये और ठीक हो जाएगा। रखे रखे एक टेबल स्पून लाल मिर्च, ये चिली फ्लेक्स है रेड वाला, एक टेबल स्पून भुना कुटा जीरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक टी स्पून जाएगा इसमें भुना कुटा धनिया, ये मोटा मोटा कूट लिया है, एक टी स्पून जाएगा इसमें काला नमक, एक टी स्पून इसमें जाएगा चाट का मसाला, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें जाएगा एक टेबल स्पून सौंफ का पाउडर, ये भी दरदरा कुटा हुआ भुना हुआ है, इसमें मैं डालूंगी एक हरी मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, हरा धनिया जाएगा इसमें चॉप किया हुआ, और ये जाएगा पुदीना। अब इसमें जाएगा ये है इमली का पल्प, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जाएगा कोकम का पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बस इसे 5 मिनट हम पकाएंगे ताकि इसमें हरा धनिया पुदीना का फ्लेवर इसमें आ जाए, और बाकी सारे जो भी हमने मसाले खड़े डाले हैं इसमें उसका फ्लेवर आ जाए, मिर्ची तेज़ हो जाए। ये काफ़ी स्पाइसी होता है तभी मज़ा आता है, चटपटा और स्पाइसी होता है तब मज़ा आता है। ये देखिए, इसको आप इस तरह से रखिएगा ताकि ये आपके दस्तरखान पर जब तक पहुँचेगा, जब तक लोग खाएँगे, जब तक ये और गाढ़ा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगी फिर। अब इसमें जाता है एक तड़का, बस 5 मिनट हो गया है, मैं गैस बंद कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए तड़के, इसको हमको प्याज का तड़का लगाना है। ये फ्राई पैन गर्म हो गया, इसमें मैं 1/3 कप ऑयल डाल रही हूँ, ये ऑयल भी आप अपने चने की क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। अब ये मैंने एक बड़ी प्याज ली है और इसको मैं फ्राई करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो तड़का और इसकी जो ब्राउन प्याज होती है वो बहुत बड़ा अहम रोल अदा करती है। आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसे फॉरवर्ड कीजिए। ऐसे ही चटपटी मज़ेदार रेसिपी मैं आपको लेकर आती रहूँगी, और ये मेरी फुल वीडियो देखिए, क्योंकि आगे जो मज़े की रेसिपी होने वाली है वो आप आधी देख के नहीं पहचान पाएंगे। ये देखिए, मैं इसमें से थोड़ा सा प्याज का बरिस्ता निकाल रही हूँ, ये मैं इसमें ऊपर से डालूँगी, दूसरी वाली रेसिपी जो बता रही हूँ मैं, दूसरा तरीका, ये मैंने इस तरह से अलग से निकाल लिया है। इसमें से तेल भी मैं आधा निकाल लूँगी, और बाकी ये जो मैंने पतीली में बनाया है मैं उसमें डाल दूँगी। गैस बंद कर दी है मैंने, अब देखिए ये तड़का इसमें डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस इस तरह से मिक्स कर देंगे और गैस बंद कर देंगे। याद रखिएगा, सिर्फ मैंने सारे मसाले खड़े डालने के बाद में सिर्फ 5 मिनट पकाया है, वरना इसका जो सारे मसाले अगर पक गए और इमली वगैरह पक गई इसमें तो वो फ्लेवर नहीं रहेगा। ये आपको जब एक साथ पूरा बनाना है, ये इस तरह का है, ये आपका रेडी हो चुका है। इतना ज़बरदस्त, इतना चटपटा ये, मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं आपको ये डिश आउट करके बताती हूँ, और उसके साथ साथ जो बाकड़े पे जो भैया जी लोग बनाते हैं स्पेशल तरीके से, वो मैं बताती हूँ आप लोग को कि वो कैसे बनाते हैं। ये देखिए, अब मैं ये आपको जो तरीका बता रही हूँ, ये हमारा स्ट्रीट फूड स्पेशल इस तरह से बेचा जाता है, स्टॉल पे इस तरह से लगाते हैं। ये देखिए, ये जो हमने चने और बॉयल आलू को बेसन में पकाया था, ये वो है, इसमें जो हमने मसाले डाल के उबाले थे, बस ये वो आपको पता है मैंने हाफ अलग निकाल लिया था, ये वो है, इस तरह से वो रखते हैं गरम गरम। ये देखिए, इस तरह से भुना कुटा हुआ सौंफ डालेंगे, भुना कुटा हुआ धनिया है, भुना कुटा हुआ ज़ीरा, ब्लैक सॉल्ट, चाट का मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, ये ज़्यादा डलती है क्योंकि बहुत स्पाइसी होता है, इसमें ये ऑयल जाता है, ये बघार का बहुत अच्छा काम करता है, ये प्याज जाएगी इसमें, प्याज भी बहुत अच्छी लगती है, इसमें इस तरह से इमली का पानी जाएगा, जितना खट्टा चाहिए होता है उतना खट्टा लेते हैं लोग। ये देखिए, गोगम का पानी भी इसी तरह से जाता है, ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है गोगम का पानी। इसको अच्छे से ऐसे घुमाते हैं, ये जो सारे रॉ मसाले जाते हैं ना, ये उसका ही फ्लेवर और उसका ही टेस्ट होता है, इसलिए मैंने कहा था वो सिर्फ जो पतीली में आप पकाएंगे 5 मिनट से ज़्यादा मत पकाइएगा। ये देखिए, इस तरह से घुमा दिया जाता है, फिर ये ग्रीन चिल्ली, टोमेटो जिसको चाहिए होता है वो ऊपर से डलवाता है, प्याज
आपकी पसंद है, डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें ना डालें। हरा धनिया, पुदीना और यह रहा नींबू। अगर और किसी को चाहिए होता है तो लेमन भी जूस भी डलवा लेते हैं। ये देखें इसे इस तरह खूब घुमाते हैं, काफ़ी 8-10 मरतबा घुमाते हैं ताकि इसके अंदर मसाले बहुत ही अच्छे से यकजान हो जाएं, मिर्ची का फ्लेवर आ जाए, सारे मसालों का फ्लेवर आ जाए। बहुत ही अच्छे से इस तरह गोल गोल घुमाते हैं इसे। एकदम आपको मैंने असली रेसिपी दी है, ये हमारे बचपन की यादें हैं। जब भी मैं जाती हूँ बॉम्बे तो इसे ज़रूर खाना पसंद करती हूँ, आपको देख के ही मज़ा आ रहा होगा। और ये जो है ये मैंने ऑथेंटिक तरीका बताया है, जिस तरह स्ट्रीट फूड वाले बनाते हैं, इस तरह रॉ मसाले डालेंगे आप तो इसमें बहुत ही ज़्यादा और लजीज लगेगा। माशाल्लाह ये दोनों ही बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही चटपटा है। आप इसे मेरे स्टाइल में ज़रूर बना के देखिएगा। इसे आप आम दिन में बनाएं, रमज़ान में बनाएं, जब जी में आए तब बना लें इसे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। जिन जिन प्यारे चटोरे दोस्तों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर बजाएं ताकि मेरी जो भी अपडेट आए वो आपको फौरन मिल जाए। चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक मज़ेदार चटपटी सी या मीठी सी रेसिपी लेके। जब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।